हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपलसी के द्वारा अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि आगामी समय में यूके ट्रिपलसी कौन कौन से पदों पर नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगा और किस पद की परीक्षा किस तिथि को आयोजित करवाई जाएगी। उसके संबंध में दोस्तों, यूके ट्रिपलसी के द्वारा कुल 6 विभागों में, अलग अलग विभागों में कुल 6 पदों पर दोस्तों विज्ञप्ति का यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत दोस्तों आपकी रिक्तियों की संख्या बताई गई है, आपका विज्ञापन कब प्रकाशित होगा उसकी तिथि बताई गई है, और जो विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद में आपकी जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम की तिथि भी बताई गई है, और कुल दोस्तों 1368 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन के बारे में जानकारी बताई गई है, जिसके बारे में दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, क्योंकि नई भर्तियों का दौर जारी हो गया है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एग्ज़ाम होने तक दोस्तों आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये परीक्षा कार्यक्रम है दोस्तों, अभी तक ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से पद हैं? सबसे पहले दोस्तों देखिए, सहायक कृषि अधिकारी के विज्ञप्ति रिक्त पदों की संख्या कितनी है, 34 आपके इसमें रिक्त पद रहने वाले हैं। विज्ञापन आपका इसका प्रकाशित होगा 29 सितंबर 2023 को, और प्रस्तावित जो एग्ज़ाम तिथि है, यानी कि प्रस्तावित जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, वो है 26 नवंबर 2023 की। उसके बाद में दोस्तों स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के बारे में बात है, इसमें आपके कार्यालय सहायक तृतीय, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, फायरमैन परिसंपत्ति, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुंशीरम रीडर, क्षेत्रीय युवा कल्याण और सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद हैं। टोटल 226 पद हैं दोस्तों, जिसका विज्ञापन आपका 6 अक्टूबर 2023 को जारी होगा, और आपका जो इसका एग्ज़ाम पेपर होगा वह 31 दिसंबर 2023 को होने वाला है। अगली जो आपकी वैकेंसी है इंटरमीडिएट स्तर की, सामान्य प्रश्न पत्र होगा इसका, परिवहन आरक्षी का, आबकारी सिपाही का, उप आबकारी निरीक्षक का, हॉस्टल मैनेजर का, गृह माता या हाउस कीपर का, और महिला अमीन का। कुल इसमें 293 पद आपके आने वाले हैं। 13/10/2023 को इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, और 21 जनवरी 2024 को आप लोगों का इसका एग्जाम पेपर होने वाला है। अगला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, यह भी इंटरमीडिएट स्तरीय है, इसमें विषय आधारित प्रश्न पत्र होंगे, जैसे कि पशुधन प्रसार अधिकारी है, निरीक्षक है, अधिदर्शक प्रदर्शक है, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, रसायन विज्ञान, इसकी भी कुल दोस्तों 136 पद रहने वाले हैं, और इसका नोटिफिकेशन आपका 20/10/2023 को आएगा, और इसका एग्जाम पेपर आपका 11 फरवरी 2024 को होने वाला है। ठीक है, अगला है व्यायाम प्रशिक्षक की कुल पदों की संख्या दोस्तों 56, 27/10/2023 को इसका नोटिफिकेशन आएगा, और 25 फरवरी 2024 को आयोग के द्वारा इसका आपका एग्जाम पेपर भी करवाया जाएगा। तो ये टोटल आपके पद हैं दोस्तों। सहायक कृषि अधिकारी में आपका 12th बेसिस पे भर्ती रहेगी, स्नातक स्तरीय सामान्य में इसमें आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंटरमीडिएट स्तरीय जो परीक्षा है दोस्तों इसमें नॉर्मल आपके पास में 12th होना चाहिए, नॉर्मल किसी भी स्ट्रीम से। इंटरमीडिएट स्तरीय विषय आधारित प्रश्न पत्र में जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं या जो अलग जो भी रसायन विज्ञान वाले हैं, उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है, कुल 136 पद हैं। व्यायाम प्रशिक्षक में दोस्तों कुल 56 पदों पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक है, अगला जो इसमें भर्ती है वो है सहायक अध्यापक LT का। ठीक है, इसमें आपके 657 पद रहने वाले हैं, जिसका विज्ञापन 6/11/2023 को जारी किया जाएगा, और इसका जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वह होगा 10 मार्च 2024 को। तो आयोग के द्वारा अपनी मार्च 2024 तक की सभी जो विज्ञप्तियों की संख्या है, कुल दोस्तों अगर आप इन पदों को जोड़ते हैं तो 1368 पदों पर विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन या जो एग्जाम कैलेंडर है वह जारी कर दिया गया है, और उपरोक्त तिथियों में अपरिहार्य स्थितियों में इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, ऐसा लिखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों कुछ डेटों में आपका चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपकी यह भर्तियां तो आनी ही आनी है। LT के भी यहां पे 657 पद हैं, आप देख सकते हैं। बाकी सहायक कृषि अधिकारी के 34 हैं, स्नातक स्तरीय जो है VPDO का दोस्तों इसमें एग्जाम पेपर होना है। VPDO वालों से मैं यही कहूंगा कि CCC का फॉर्म आप लोग भर दीजिए, एग्जाम की अंतिम तिथि से पहले आपका CCC आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षाओं के भी 293 पद आने वाले हैं, विषय आधारित प्रश्न पत्र के 136 हैं। टोटल दोस्तों 1368 पदों पर यह विज्ञप्ति आने वाली है, तो आप लोग दोस्तों इसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह नोटिफिकेशन शाम तक अपलोड हो जाएगा, और यही भर्तियां आपकी आने वाली हैं। इसी भर्तियों के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको आगामी समय में तैयारी करनी है। अगर आपका इंटर है, आपका ग्रेजुएशन है, आप LT की तैयारी करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम से तैयारी करना चाहते हैं, या आप इंटरमीडिएट पे विषय आधारित प्रश्न पत्रों की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप इन पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा सकते हैं, अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और इनका दोस्तों सिलेबस आपको पता ही है कि हर एग्जाम का सिलेबस लगभग UK CCC के द्वारा सेम रखा जाता है, जो भी पिछली बार के ये सभी भर्तियाँ जो थी पहले भी आ चुकी हैं, तो उसी के अनुसार आपका सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी तैयारियां
करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आयोग के द्वारा पूरी डेट दी गई है कि कब आपका विज्ञापन प्रकाशन किया जाएगा और कब आपके एग्जाम की डेट होगी और रिक्त पदों की संख्या कितनी है, यह सारी ही जानकारी है यूके DSSC के द्वारा जारी की गई है। तो बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जो आयोग के द्वारा अभी तक डिस्पोज नहीं की गई हैं, इसमें जैसे कि कहा गया था कि लिपिक की भर्ती आएगी, कनिष्ठ सहायक की भर्ती आएगी, तो अभी उस बारे में आयोग के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। तो आशा ही करते हैं कि आने वाले समय में वह वैकेंसीज भी आपकी जल्द से जल्द आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।